हेलो, तो वेलकम बैक दोस्तों। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के आने वाले वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे केरला T20 चैंपियनशिप 2023 का मुकाबला, जो कि दोस्तों TVR और KAG के बीच में खेला जाएगा, इसकी ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। चलिए जो है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से प्लेयर को इस मुकाबले में हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपनी टीम में। और टीम हमने ऑलरेडी बनाकर रखी है दोस्तों, मैं आपको जो है एडिट करके दिखा दूंगा किस किस प्लेयरों को हमने अपनी टीम में सेलेक्ट किया है और आप जो है किन प्लेयर को अपने जो है अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने रखा है दोस्तों दो विकेट कीपर बल्लेबाजों को। इसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों मोहम्मद अजहरुद्दीन का। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करने आते हैं, हर मुकाबले में बेहतरीन स्कोर करके देते हैं दोस्तों। 85 एक मुकाबले में उन्होंने 85 रन, 45 रन और 11 रन का जो है स्कोर ऑलरेडी दोस्तों बना चुके हैं तीन मुकाबलों में। तो काफ़ी शानदार प्लेयर हैं हम जो है दोस्तों, बेहतरीन लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो हमने इन्हें अपनी टीम में लिया है। इनके अलावा दोस्तों हमने लिया है AK अर्जुन का, जो कि दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं दोस्तों। इनके अलावा जो दोस्तों आप ले सकते हैं मोहम्मद कैफ को। मोहम्मद कैफ जो कि दोस्तों ये भी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन हमने फिलहाल इन्हें ड्रॉप किया है। हम लेकर चलेंगे दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों को। आप चाहें तो दोस्तों मोहम्मद कैफ को ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हमने इन्हें ड्रॉप किया है। इसके बाद जो है बल्लेबाजी सेक्शन की बात करें तो बल्लेबाजी में हमने दोस्तों चार बल्लेबाजों के लिया है। सबसे पहला जो नाम आता है दोस्तों वाई अरफात मुस्तफ़ा, जो कि दोस्तों इन्हें बल्लेबाजी सेक्शन में रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बल्लेबाजी नहीं बल्कि दोस्तों सिर्फ आपको जो है गेंदबाजी करके देने वाले हैं अरफात जो है दोस्तों सिर्फ आपको गेंदबाजी करके देने वाले हैं। ये बल्लेबाजी तो सबसे लास्ट में बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन इनको बल्लेबाजी सेक्शन में रखा गया है। अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, लेकिन हमने इन्हें जो है ड्रॉप किया है। आप चाहे तो इन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये बात, ये बल्लेबाजी सबसे लास्ट में बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन गेंदबाजी जो है दोस्तों पूरी करते हैं और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें गेंदबाजी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आते हैं के प्रसाद, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करने आते हैं, तो आप चाहे तो इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने अपनी टीम में इन्हें लिया है। उसके बाद जो है दोस्तों हमने लिया है एस रोजर जो कि दोस्तों पाँचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी भी करेंगे दोस्तों, तो हमने इन्हें अपनी टीम में लिया है। इनके अलावा जो दोस्तों आप ले सकते हैं एम साबिर समद को, जो कि दोस्तों छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, गेंदबाजी वगैरह करेंगे नहीं दोस्तों, तो हमने इन्हें ड्रॉप किया है। आप चाहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों हमने रखा है FRHAN TK को, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करेंगे, तो हमने इन्हें अपनी टीम में लिया है। इसके अलावा जो है दोस्तों एक और बल्लेबाज हमने जो लिया है अभिषेक नायर को, जो कि दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करते हैं, तो हमने इन्हें अपने टीम में लिया है। और अब दोस्तों हम जो है चार बल्लेबाज पूरे हो गए, अब चलते हैं दोस्तों गेंदबाज ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में भी हमने चार प्लेयर को लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों SS नायर का, जो कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने लिया है फाजिल को, जो है दोस्तों बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा हमने लिया है दोस्तों P Anfal को, जो कि दोस्तों वन डाउन बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे और साथ ही साथ पूरी गेंदबाजी करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर होने वाले हैं इस मुकाबले में दोस्तों, ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं P Anfal। और इनके अलावा जो दोस्तों आप ले सकते हैं अनंत कृष्णा को, जो कि दोस्तों छठे या सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाएंगे और साथ ही साथ गेंदबाजी भी करके देंगे आपको, तो जो है आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल हमने इन्हें ड्रॉप किया है दोस्तों। इनके अलावा मैंने रखा है दोस्तों अभिषेक प्रताप को ओपन बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ ओपन नहीं आई थिंक वन डाउन बल्लेबाजी करने आते हैं दोस्तों, अभिषेक प्रताप वन डाउन बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी करते हैं, तो हमने इन्हें अपनी टीम में लिया है। इनके अलावा जो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत जो है यन देव वगैरह दोस्तों कुछ खास प्लेयर हैं नहीं, नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी भी नहीं करते हैं, तो हम जो है दोस्तों इनको नहीं लेंगे। इनके अलावा जो दोस्तों बात करते हैं गेंदबाजी सेक्शन में, तो गेंदबाजी सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है यस कृष्णा का, पूरी गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन हमने इन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया है। इनके आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो दोस्तों आर चंद्रन, जो कि दोस्तों ये भी बेहतरीन गेंदबाज हैं, पूरी गेंदबाजी करते हैं, तो हमने इन्हें नहीं लिया है। फानूस जो कि दोस्तों बेहतरीन गेंदबाज हैं, हमने इन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट किया है। और इनके अलावा जो दोस्तों आप चाहे तो जो है जी मुराली को जो है दोस्तों ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, मात्र 1% लोगों ने दोस्तों जो है इन्हें अपनी टीम में सेलेक्ट किया है और पूरी गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, जो है शुरुआत में गेंदबाजी करने आते हैं, तो जो है दोस्तों अगर अच्छी खासे 2 से 3 विकेट निकाल लगे तो अच्छी खासी पॉइंट देकर जो है आपको अच्छी खासी विनिंग करा सकते हैं, तो आप चाहे तो इन्हें ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो दोस्तों अब आते हैं गेंदबाजी सेक्शन में, तो और जो है बी नारायण एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, पूरी गेंदबाजी करते हैं 4 ओवर की और अच्छे खासे गेंदबाज है दोस्तों,
तो आप चाहे तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों। इनके अलावा जो है अतुल वगैरह कुछ खास प्लेयर हैं नहीं दोस्तों, तो हम इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी दोस्तों हमारी इस मुकाबले में। कप्तान हमने बनाया है दोस्तों अनफाल को, वहीं वाइस कप्तान हमने बनाया है दोस्तों प्रताप को, क्योंकि दोस्तों ऊपर बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी भी करते हैं, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों में पॉइंट दे देंगे। तो इसलिए हमने दोस्तों पी अनफाल को एंड ए प्रताप को कप्तान और वाइस कप्तान बनाया है। आप अपने हिसाब से दोस्तों अजहरुद्दीन जो कि दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ओपन बल्लेबाजी करते हैं, आप चाहे तो इन्हें बना सकते हैं। इनके अलावा जो सुखे प्रसाद भी ओपन बल्लेबाजी करते हैं और ए फरहान भी ओपन बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों, और ए जो है नायर भी ओपन बल्लेबाजी करते हैं। ये चारों बल्लेबाज जो दोस्तों ओपन बल्लेबाजी करने आने वाले हैं, तो आप चाहे तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं जो है कप्तान और वाइस कप्तान। इनके अलावा दोस्तों गेंदबाजी में आप जो है फाजिल अनफूस को ट्राई कर सकते हैं जो कि बेहतरीन गेंदबाज हैं। एस नायर को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, छठे नंबर पर बल्लेबाजी करके देंगे आपको, साथ ही साथ गेंदबाजी करके देंगे। तो आप चाहे तो दोस्तों इन प्लेयर्स को जो है कप्तान और वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम तो बनाएंगे दोस्तों पी अनफाल को एंड अभिषेक प्रताप को। कुछ इस प्रकार की टीम रहेगी दोस्तों हमारी। तो जो है आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और ग्रैंड लीग की टीम चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम।